जय रघुनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, बसेठ अलवर राजस्थान। आज हम कुछ खास विषयों पर चर्चा करेंगे। है कि हमारे जो, जैसे कोई कहता है कि किसी भी अपनी जाति का नाम लेकर उस पर गौरवान्वित महसूस करता है कोई व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को उम्मीदवार बनने पर चुनाव में फायदा होता है या नुकसान होता है। जैसे कि खास तौर से अपन सीधी सीधी बात पर आते हैं, आप जितने भी बंधु जुड़ रहे हैं एक बार थोड़ा सा इसको शेयर कर दें ताकि 10-20-50 लोग जुड़ जाएं तो उनके साथ बात करने में ठीक लगेगा। आप सभी को सादर जय रघुनाथ जी की, जो जो बंधु जुड़ रहे हैं और दूसरे लोगों को भी इसमें जोड़ सकें तो बड़ी अच्छी बात है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और विषय ये है कि जो बंधु चुनाव भी लड़ते हैं या राजनीति में हैं और अपने आप को अपने क्षत्रिय होने पर गौरवान्वित अनुभव करते हैं या सीना ठोक कर कहते हैं कि वो क्षत्रिय हैं, उससे दूसरी जाति का वोट उनसे छिटकता है या कुछ और परिणाम आता है, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और ये बहुत गंभीर विषय है, कुछ गलत फहमियां हैं, कुछ भ्रांतियां हैं लोगों में, उनके बारे में आज खुलकर चर्चा की जाएगी, उदाहरण सहित चर्चा की जाएगी। क्योंकि आजकल कोई भी बात आप करें और उस पर एग्जाम्पल पुराना यदि आप दें श्री राम का और कृष्ण का, तो ये कहकर आप नकार देते हैं कि ये उस जमाने की बात थी, उस समय की प्रजा थी, वो भगवान थे। इसलिए जो भी हम उदाहरण देंगे वर्तमान परिस्थिति के और वर्तमान राजनेताओं के ही उदाहरण देंगे, जो कि वर्तमान में सर्वाइवल राजनेता हों, यानी जिन्होंने चुनाव भी जीतते हों और एक्टिव राजनीति में एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका हो, इस बात पर हम यहां चर्चा करेंगे। कई लोग उदाहरण देते हैं कि हमारे राजस्थान का, जैसे हमारे जाट भाई हैं और वो जाट अपने आप को जाट बताते हैं, गौरवान्वित अनुभव करते हैं, तो सारी जातियां उनके खिलाफ हो जाती हैं और परिणाम ये होता है कि सब जाट विरोध के नाम पर गोलबंद होकर उनको, उनकी राजनीति को नुकसान देते हैं, ऐसा लोग बाग समझाते हैं। मेरे पास कई बार फोन भी आते हैं कि इस समय चुनावों में आप किसी उम्मीदवार का कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई नुकसान हो जाए इस बात से कि भाई वो क्षत्रिय है या उसके क्षत्रिय कहने पर। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा को बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से चर्चा की जाएगी और इस चर्चा में प्रामाणिक तरीके से चर्चा की जाएगी, प्रमाण के साथ चर्चा की जाएगी। रामायण आपने देखी, महाभारत आपने देखी, रामायण के पात्र जो अरुण गोविल जी हैं जिन्होंने श्री राम का रोल किया है, उन्होंने अपने सभी डायलॉग्स में इस बात को बहुत अच्छी तरह से रेखांकित किया है कि उन्हें इक्ष्वाकु कुल की, सूर्यवंश की, रघुवंश की, रघुकुल की, क्षत्रिय कुल की, क्षत्रिय जाति की मर्यादा रखनी है। बात बात में, वार्तालाप में, डायलॉग में उन्होंने हर जगह इस बात को दिखाया है। आप चाहें तो रामानंद सागर जी की जो रामायण है, उस समय जब वो आई थी 86 या 87 में, तब तो शायद सब लोग नहीं देख पाए और हम भी बाल बुद्धि थी, लेकिन अभी जो कोरोना काल में रामायण को दोबारा पुनः प्रसारण हुआ और उस पुनः प्रसारण में एक एक चीज को बारीकी से समझने का अवसर मिला। साथ ही ये आपके पास में YouTube पर भी है, तिलक नाम से एक है, उसमें भी मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, एक एक चीज को देख सकते हैं कि श्री राम को स्वयं के डायलॉग्स में भी यही बात है कि वो क्षत्रिय हैं, वो इक्ष्वाकु वंश के हैं, वो रघुवंश के हैं, और दूसरे लोग भी उन्हें, यहां तक कि उनके प्रतिद्वंदी रावण भी उनको बार बार यही कहता है कि ये तो क्षत्रियों का काम नहीं है, यदि छत्राणी का दूध पिया है तो ऐसा कीजिए, यही इसी तरीके के डायलॉग लक्ष्मण जी के हैं। और इसी तरीके के डायलॉग्स बाद में जो उत्तरकांड जोड़ा गया, उत्तरकांड बनाया, चाहे भले ही वो काल्पनिक ही हो, उसमें भी और लव और कुश के माध्यम से भी ये बार बार बात आई। चलिए ठीक है, आप कहेंगे श्री राम तो भगवान थे, श्री राम तो बहुत पहले हुए थे और उस समय की परिस्थितियों में अब की परिस्थिति में अंतर है। महाभारत में भी यदि आप देखेंगे तो वासुदेव श्री कृष्ण की यदि गीता को आप अध्ययन करेंगे तो बार बार अर्जुन को उन्होंने यही कहा कि तेरा जो ये स्वभाव है, क्षत्रिय स्वभाव है, वो तुझे युद्ध करने के लिए बाध्य करेगा और इसलिए तू क्षत्रिय होने के नाते युद्ध कर। एक बार भी ये नहीं कहा गया कि तेरे साथ अन्याय हो गया है इसलिए युद्ध कर। उन्होंने बार बार एक ही बात पर जोर दिया कि तू क्षत्रिय है और तुझे युद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि अन्याय के विरुद्ध शस्त्र उठाना क्षत्रिय का परम दायित्व है, परम कर्तव्य है।
तो मैं नहीं मानता कि श्री राम और श्री कृष्ण ईश्वर होकर भी इतने बड़े जातिवादी रहे होंगे, बल्कि मुझे लगता है कि क्षत्रिय बार बार शब्द का प्रयोग कर और क्षत्रिय के डायलॉग बोलकर कहीं कोई और संदेश वो देना चाहते होंगे। मध्यकाल के महापुरुषों को भी आप देखेंगे तो उनमें भी बार बार ये बात आती है, वो अपने आप को क्षत्रिय होने का गौरवान्वित महसूस करते हैं, उसको दूसरों को बताते हैं। खैर, ये इतिहास की बात है और इतिहास में बहुत से लोगों के बहुत से मत होते हैं, शोधार्थी होते हैं, पीएचडी करते हैं, कई और बातें लगा लेते हैं और वो कहते हैं शायद ऐसे डायलॉग्स बाद में जोड़े गए हों। लेकिन एक तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल लेटेस्ट उदाहरण हमारे पास दो व्यक्तियों के हैं, एक बड़े राजनेता के हैं और एक छोटे स्तर पर, हालांकि वो भी अब बहुत जल्दी बड़े राजनेताओं में सम्मिलित हो जाएंगे। 21 सितंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हमारी मुलाकात हुई थी और उसके बाद तुरंत बाद यहां फरवरी में चुनाव थे 2022 में उत्तर प्रदेश में, और एक नहीं एएनआई की प्रवक्ता ने उनसे पूछा कि आप पर आरोप लगा राजपूत होने पर तो क्या आपको बुरा लगता है? तब उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा कि नहीं, क्यों बुरा लगेगा, ये तो मुझे अच्छा लगेगा और क्षत्रिय होना कोई बुरी बात नहीं है, एक ऐसे जाति में जन्म लेना जिसमें भगवान भी बार बार जन्म लेते हैं और मुझे गर्व है क्षत्रिय होने पर, मैं जन्म से क्षत्रिय हूं, हालांकि मैंने संन्यास ले लिया। एक व्यक्ति जिसने योग ले लिया, जिसने संन्यास ले लिया, उसको इस बात पर गर्व है कि वो क्षत्रिय है। लोगों ने कहा कि ये शायद मेरी और कालवी साहब की, श्रद्धेय कालवी साहब की, उनको एक गलत सलाह थी, हालांकि वो इतने उच्च श्रेणी के महान भाव हैं, राजनेता हैं, संत हैं, कि उनको हम जैसे लोग क्या तो सलाह देंगे और क्या उनका दिशा निर्देशन करेंगे, वो तो स्वयं प्रकाशित हैं, स्वयं नेतृत्व उनका चमकता है। जितने भी बंधु जुड़ रहे हैं उनसे एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि इसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ज्यादा की जरूरत नहीं है, जिससे अपनी चर्चा थोड़ी सार्थक रूप से चल सके। तो कहने का मतलब है कि योगी आदित्यनाथ जी ने चुनावों से जस्ट पहले सीना ठोक कर, छाती ठोक कर, एक नहीं बार बार, यहां तक कि आज तक के चैनल पर भी उन्होंने अंजना ओम कश्यप को भी इस बात का कहा कि उन्हें गर्व है कि वो क्षत्रिय है और ऐसी जाति जिसने बार बार धर्म के लिए, न्याय के लिए युद्ध लड़े हैं, उस पर उन्हें गर्व है, और ऐसी जाति जिसमें भगवान भी, ईश्वर भी बार बार जन्म लेते हैं। ये योगी आदित्यनाथ ने कहा और फरवरी 2022 में चुनाव हुए। एक बात मैं यहां आपको बता देता हूं, इस स्टेटमेंट के बाद योगी आदित्यनाथ जी की जीत के की संभावना पूर्ण तरह से बढ़ गई। अब आप कहोगे नहीं साहब, वो तो ऐसा तो है ही नहीं, वो तो बीजेपी के सहारे जीत गए, हिंदू वोट के सहारे जीत गए। कौन सा हिंदू वोट? उस समय गुजर लामबंद थे उनके खिलाफ, क्योंकि दादरीवाड़ा प्रकरण हो चुका था, जाटों ने किसान आंदोलन छेड़ करके एकदम लामबंद थे, अहीरों की अपनी पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो उसे छोड़कर जाएंगे कहां, और मुस्लिम जो है उनके खिलाफ वैसे बाई स्वभाव से, नेचर से रहते हैं, और ब्राह्मणों ने तो वो कौन विकास दुबे मरा था क्या, उसकी कोई गाड़ी पलटी थी, उसके चलते अपनी दुश्मनी साथ रखी। फिर ये योगी आदित्यनाथ जीते कैसे, इस पर हम थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे। एक बार इस बात पर चर्चा रखें कि योगी आदित्यनाथ जी ने सीना ठोक कर, छाती ठोक कर ये कहा था कि उन्हें क्षत्रिय होने पर गर्व है, क्योंकि ये एक वो जाति है जो बलिदानों की परंपरा की जाती है और जो अपने आप को सर्वस्व होम कर देता है, असली नेता असली जनसेवक वही है जो क्षत्रिय की तरह जीवन जिए, तो मैं तो जन्म से ही क्षत्रिय हूं, संत बन गया लेकिन क्षत्रिय स्वभाव मेरे अंदर है। इसका परिणाम यह हुआ कि योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से पूर्ण बहुमत से सरकार में आए, जबकि केंद्रीय नेतृत्व के बहुत से लोग योगी जी की बढ़ती हुई गाड़ी को पंचर करने के चक्कर में चाहते थे कि बीजेपी लगड़ धगड़ पे आए, ताकि ये कहें कि योगी आदित्यनाथ को परिवर्तित किया गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों जीते, इस पर थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, एक युवा, एक अलड़ एक स्वाभिमानी युवा, जिसको यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का टिकट काट दिया जाता है, और इतना ही नहीं, जिसको टिकट दिया जाता है वो भी एक दूसरे क्षत्रिय युवा को दे दिया जाता है एबीवीपी, दूसरे को। अब उसके पास दो ही विकल्प हैं, या तो वो चुपचाप गर्दन नीचे करके रह जाए, और या फिर वो सीना ठोक कर कहे कि राजपूत, हां राजपूत,
यूनिवर्सिटी जीता, दिखाओ आने कि पदरा और पार्टी रा गुलाम कोनी, राजपूत हां राजपूत, यूनिवर्सिटी जीता। और उनके इस डायलॉग ने रविंद्र सिंह भाटी, जिसे एक दिन पहले तक कोई नहीं जानता था, शायद जोधपुर के लोग जानते हो, यूनिवर्सिटी के लोग जानते हो, लेकिन पूरे देश के लोग उस सीना ठोक कर अपने आप को राजपूत क्षत्रिय बताने वाले को लोग जानते हैं। और जानने का परिणाम यह हुआ कि भारी बहुमत से यूनिवर्सिटी का चुनाव जीत गए। क्या हुआ है? वोट तो कटने चाहिए थे। क्या क्षत्रियों के मतदान संख्या इतनी है कि सीना ठोक कर क्षत्रिय कहने के बाद वो व्यक्ति चुनाव जीते? नहीं। इसी पर हमको विचार करना चाहिए। फिर वही सीना ठोकने वाले ने उसी दिन से विधानसभा की तैयारी शुरू कर दी और सीना ठोक कर विधानसभा लड़ा और सीना ठोक कर विधानसभा जीत। अब फिर ताल ठोक रखी है और फिर सीना ठोक कर इस समय सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा से लोकसभा के चुनाव के लिए फिर उन्होंने सीना ठोक दिया और फिर खड़े हैं और फिर लड़ रहे हैं। अब यह विचार करना पड़ेगा हमको, जो कुछ लोग परेशान रहते हैं, वो यूपी के चुनाव में भी परेशान थे, उन्होंने कहा कि ज्यादा क्षत्रिय करेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा महाराज जी को। लेकिन महाराज जी को तो कोई नुकसान हुआ नहीं, महाराज जी तो चुनाव जीते। इसी तरीके से रविंद्र जी यूनिवर्सिटी का चुनाव जीते और फिर विधानसभा का चुनाव जीते और उसके बाद अभी सीना ठोक करके लोकसभा का चुनाव लड़े। एक और उदाहरण है इसका, एक और उदाहरण जो आनंद मोहन सिंह जी का बिहार से, उन्होंने भी संसद में पिस्टल लेके चले गए और वहां कहा कि मैं तो क्षत्रिय हूं, बिना शस्त्र के मेरा तो दर्शन अशुभ है, इसलिए संसद में मुझे पिस्टल लेके जाने ही अजागत है। और आनंद मोहन जी की राजनीति खत्म हो गई। आनंद मोहन जी को भले ही इस गंदी राजनीति ने जेल में डाला हो, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो शेर बाहर आया तो आज भारतीय जनता पार्टी की समर्थक पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने उनकी धर्मपत्नी आदरणीय लवली आनंद जी को शिवहर से लोकसभा का टिकट दिया है और हमारे भतीजे चेतन आनंद जी को इस समय मंत्री का दर्जा जनता दल यूनाइटेड की सरकार में है। इसका मतलब ठाकुर के कुएं की जब गंदगी की बात आई और वो मनोज झा ने बकवास की, तब किसने ताल ठोकी? आनंद, चेतन आनंद जी। और किसी को इस बात का बुरा नहीं लगा कि अपने क्षत्रिय समाज के बारे में वो क्यों बोले। और मैं आपको बता दूं कि अब बहुत जल्दी लवली आनंद जी लोकसभा में होगी इसी बात के कारण। अब ये तीन उदाहरण इतिहास के नहीं है, रामायण काल के, महाभारत काल के, वैदिक काल के, उपनिषद काल के उदाहरण नहीं है, ये आज के इस राजनीति के समय के उदाहरण हैं। फिर आप कैसे कह सकते हो कि कोई क्षत्रिय क्षत्रिय कहेगा तो अन्य जाति के मतदाता उससे छिड़ जाएंगे? आप इसलिए कह सकते हो कि जब भी कोई किसी गुजर नेता के ऊपर गुजर जातिवाद का आरोप लगाता है तो सारे लोग गुजर भाइयों के खिलाफ हो जाते हैं और उसके खिलाफ मतदान करते हैं। जब भी कोई मीणा राजनेता मीणा होने पर गर्व करता है या मीणाओं का पक्ष लेता है तो सारी जातियां उसके खिलाफ होकर मीणा समाज की राजनीति या उस मीणा राजनेता के खिलाफ हो जाते हैं। जब कोई ज्यादा जाट जाट करता है, जैसे हरियाणा में हमने देखा, राजस्थान में भी एक क्या नाम है उनका, जो कौन सी एक पार्टी बनाई थी, अब वो टूट फूट पे है, शायद समझौता हो गया है किसी कांग्रेस के साथ, हाँ हनुमान जी बेनीवाल, वो उनका ये जाट जाट के चलते मुख्यमंत्री बनने का सपना था, वो मुख्यमंत्री छोड़ो, वो विधायक भी लगड़ तगड़, कुछ मेरी भी मूर्खता उसमें रही और कुछ ऐसा रहा कि वो शायद 1500-1500 वोट के मार्जिन से चुनाव जीतकर विधानसभा में जैसे तैसे गिरता पड़ता पहुंचा। तो लोगों को लगता है कि इनका हस्त्र इसलिए ऐसा हो जाता है क्योंकि जब वो अपनी जाति की बात करते हैं तो दूसरे लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं। शायद यही फार्मूला आप इन क्षत्रिय राजनेताओं के ऊपर ला देते हो। और शायद कुछ क्षत्रिय राजनेता ऐसे हैं भी कि नीचे को गर्दन करके उन्हें डर भी लगता है कि ज्यादा क्षत्रिय क्षत्रिय करेंगे तो शायद हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल ही गलत है। उदाहरण ऐसे फिट नहीं होते एक जगह से दूसरी जगह। ये एकदम उल्टा उदाहरण है। जब कोई दूसरी जाति का व्यक्ति अपनी जाति की ज्यादा बात करता है
तो सारे समाज में ये असुरक्षा की भावना फैल जाती है कि ये व्यक्ति अपनी जाति के गुंडागिर्दी को पनपाएगा, ऐसा लोगों के दिमाग में चला जाता है, ऐसा दिमाग के अंदर फिट बैठ जाता है लोगों के, इसलिए उस जाति के खिलाफ सारी जातियां लामबंद हो जाती है, कोई भी जाति हो, क्योंकि जिसने भी जितनी भी जातियां हैं वो जातिवाद से ग्रस्त रहती हैं और वो अपनी जाति को फायदा पहुंचाने का प्रयास करती हैं, चाहे वो जन्म से शूद्र हो या जन्म से ब्राह्मण वैश्य हो या फिर और अन्य जातियां जो इन चारों तीनों चारों वर्ण में नहीं आती हैं, वो जातियां भी अपनी जाति को फायदा पहुंचाती हैं और उनकी जाति के लोग गुंडागिर्दी करते हैं, जैसे कि पहले मायावती के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में हुआ था, जैसा कि मुलायम यादव के कार्यकाल में अहीरों की गुंडागिर्दी उत्तर प्रदेश में थी, लालू यादव की शासनकाल में अहीरों ने गुंडागिर्दी आपके बिहार के अंदर फैला दी थी, इसी तरीके से सब जगह ये चलता है। लेकिन मुझे कोई एक जरा सा एक उदाहरण दीजिए कि जब भी कोई क्षत्रिय पावर में आता है तो व्यवस्था कैसे कायम हो जाती है। आज बिगड़ा हुआ उत्तर प्रदेश था, गुजरात से कंपेयर करते हैं, गुजरात तो पहले से बहुत संपन्न था, बहुत प्रगतिशील था, सारे रिसोर्सेज वहां अच्छे थे और संपन्न राज्य को संपन्न बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गड्ढे में पड़े हुई अर्थव्यवस्था को वापस निकालकर पटरी पर लाकर उस उत्तर प्रदेश के लोग जो सिर्फ दूसरी जगह जाकर मेहनत मजदूरी करके कमाते थे वहां पर इन्वेस्टमेंट लाना और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना, अपराधियों की त्राहिमाम त्राहिमाम कराना और अपराधियों को अलग अलग तरीके से दंडित करने के व्यवधान खोजना, ये योगी आदित्यनाथ ने किया। आज इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद नहीं है, उसका नाम प्रयागराज है। अभी जितने गुंडे थे वो कोई भी हो, किसी की गाड़ी पलट गई, किसी कोई कैमरे के सामने आ गया, कोई रूम में ही मर गया, कोई हॉस्पिटल में मर गया, लेकिन आज तक गोधरा का कांड यदि आप देखेंगे तो उन कार सेवकों को जलाकर मारने वाले गुंडों का एनकाउंटर नहीं हुआ, जबकि माननीय मोदी जी वहां पर 12-13 साल तक सीएम रहे और उसके बाद 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अहमदाबाद का नाम आज तक कर्णावती नगर नहीं हुआ। अहमदाबाद का नाम ही नाम नहीं बल्कि उन गुंडों का, उन जो जिन्होंने कार सेवा सेवकों पर आग लगाई थी ट्रेन के अंदर, उनका किसी का भी एनकाउंटर नहीं हुआ है। ये इस बात का सबूत है कि क्षत्रिय जब बात करता है कि मैं क्षत्रिय हूं तो जनता में एक सुरक्षा की भावना जाती है। क्या सुरक्षा की भावना जाती है? ये क्षत्रिय है, ये न्याय करेगा, ये अन्याय नहीं करेगा और ये अन्याय के विरुद्ध पूरी तरह से आखिरी स्तर तक लड़ेगा। बीपी सिंह जी का उदाहरण लीजिए आप, जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने क्षत्रियों के लिए नहीं किया, उन्होंने किसके लिए किया? उन्होंने किया उन जातियों के लिए जिनको डॉक्टर अंबेडकर भी आरक्षण नहीं दे पाए और उनके खिलाफ चले रहे कि मनुवाद को, वर्ण आश्रम धर्म को, वर्ण धर्म को ये वाली जातियां ही आगे बढ़ाती हैं, जो दस्तकार काश्तकार जातियां थी, जिनमें नाई तेली कुमार इस तरह की जातियां थी, इन जातियों को कमजोर समझकर, गरीब समझकर, आर्थिक रूप से पिछड़ा समझकर वीपी सिंह ने आरक्षण दिया, जबकि यह व्यवस्था 70 साल से कोई उस समय तक नहीं दे पाया था। 50 से लेकर 90 में जाकर यानी 40 साल बाद एक राजा वीपी सिंह आए जिन्होंने सामाजिक न्याय किया। ये अलग बात है कि उनकी जाति वाले इस बात को समझ नहीं पाए, क्षत्रिय ये नहीं समझ पाए कि वीपी सिंह ने एक ऐसी लाइन खींच दी है कि यदि उनके रास्ते पर लोग चले तो वापस केवल 40 साल में ही फिर से क्षत्रियों को जनता पसंद करने लगेगी, ऐसा सोचा नहीं, लेकिन उन्होंने अपना काम किया। इसी तरीके से जब योगी आदित्यनाथ, आनंद मोहन सिंह या भाई रविंद्र भाटी जब सीना ठोकते हैं तो आम जनता में सुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है, ये लाठा रहे भाई, ये करेगा हमारी सुरक्षा, इसके सामने किसी की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, इसके सामने बड़े से बड़ा गुंडा पानी भरेगा। इसलिए जब कोई सीना ठोक कर यह कहता है कि वो क्षत्रिय है तो उसका वोट बैंक कभी भी नहीं टूटता, बल्कि उसका वोट बैंक बढ़ता है। और जिसने सीना ठोक कर यह नहीं कहा वो क्षत्रिय होकर भी लोग उसको स्वीकार नहीं करते, उसको मानते हैं ये क्षत्रिय तो है लेकिन क्षत्रिय वाले गुण नहीं है, इसलिए वो लटक जाते, उसके मोरिया भूल जाते, उसको दिक्कत हो जाती है। ये आवश्यकता है प्रत्येक क्षत्रिय को, यदि वो क्षत्रिय है तो सीना ठोक कर ये कहे कि मैं क्षत्रिय हूं।
अब मैं थोड़ा सा इससे दृष्ट पहले बड़ा उदाहरण दे देता हूं। पूज्य तन सिंह जी क्षत्रियोग संघ के संस्थापक, सकल से सूरत से व्यवहार से छत्रित्व टपकता था, दो बार सांसद रहे बाड़मेर से, जिला प्रमुख रहे, एमएलए रहे, कैसे बन गए? क्षत्रियों की मतदान की क्षमता तो पहले से घटी होगी, बड़ी तो नहीं है और उस समय भी ज्यादा नहीं होगी, बराबर सी ही होगी, फिर भी वो जीते। और आदरणीय कल्याण सिंह जी कालवी साहब बाड़मेर से चुनाव जीते और एमएलए तो उस रहते ही थे। ये कैसे? सकल से सूरत से हाव से भाव से छत्रित्व टपकता था, क्षत्रिय की पहचान के रूप में लोगों में जाने जाते थे, फिर इनको जनता ने कैसे पसंद कर दिया? यदि इतना ही भय इतनी ही चिंता हो कि भाई क्षत्रिय बोला और जनता खिसकी, तो फिर इनसे जनता क्यों नहीं खिसकी? जनता क्षत्रिय को ही पसंद करती है, क्षत्रिय के रूप में ही यदि वो सामने आता है तभी जनता उसके साथ लगती है। किसी का भी उदाहरण देख लीजिए आप, ये पहले बड़े थे पूज्य तन सिंह जी का और पूज्य कल्याण सिंह जी का भी साथ का। ये वर्तमान के उदाहरण है, योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ा नाम, शायद अगले प्रधानमंत्री बन जाएंगे बहुत जल्दी, और ये अपना लाठा रहो जिसकी भजीड़ बुला दें, वो भजीड़ बुला रहा है रविंद्र भाटी, केवल सीना ठोक करके हूं भाटी हूं, हूं क्षत्रिय हूं, राजपूत हां राजपूत, दिखाओ आने पार्टी रार पदरा कोई गुलाम को नहीं, इस एक डायलॉग। और जिस दिन उनका ये डायलॉग आया था उसके अगले ही दिन मैंने बता दिया था कि छाती ठोक कर क्षत्रिय हूं कहने वालों को ही आगे राजनीति मिलेगी, जनता उनके साथ ही लगेगी, और आज वो एक कदम दूर है लोकसभा से। 4 जून को लोकसभा में वो जाने की उनकी तय हो चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं सी विधानसभा में तो मुसलमानों के वोट 2 जगह बट गए, आप 4 जून को भी यही कहोगे कि बाड़मेर जैसलमेर के लोकसभा में तो हमारे वोट 2 जगह बट गए, दोनों पार्टियों ने हमको टिकट दे दिया, क्योंकि 3 से 4 लाख वोटों से ज्यादा अंतर से रविंद्र सिंह भाटी देश की सर्वोच्च पंचायत में सबसे छोटे सांसद के रूप में जाएंगे, सबसे छोटा लेकिन सबसे मजबूत सांसद, और जाते ही यही बोलेगा लाठा रहिए, और स्पीकर कोई भी हो वो बोलता रहेगा लेकिन रविंद्र सिंह भाटी राजस्थानी में शपथ ग्रहण करते रहेंगे, ये देख लेना आप। ये बात 4 जून को डेफिनेटली निश्चित रूप से तय हो जाएगी, क्योंकि 26 अप्रैल को आप उनको भारी बहुमत से चुनाव जिताओगे। अभी कल उनकी नामांकन रैली है और ये रैली इस देश की सबसे बड़ी नामांकन रैली होने जा रही है, ये पुलिस की भी रिपोर्ट है, आम जनता की भी रिपोर्ट है, और ये तो जब है जब बिल्कुल साफ साफ हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन बंधुओं से हाथ जोड़कर यह कहा गया है कि आप ज्यादा मत आना, क्योंकि यदि आप आओगे तो प्रशासन ये कहेगा, गाड़ियों के नंबर देखेगा, हरियाणा के हैं, गुजरात के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, पंजाब के हैं, तो ये फैलाएगा कि रविंद्र सिंह जी भाटी की भीड़ तो बाहर राज्यों से आई है, ये भीड़ आएगी मालानी से, ये भीड़ आएगी मरुधरा से, ये भीड़ आएगी जैसान भूमि से, ये बालोत्रा की भीड़ होगी, ये बायतू की भीड़ होगी, ये गुड़ा मलानी की भीड़ होगी, ये सीर की भीड़ होगी, ये सिवाना की भीड़ होगी, और ये चौटन की भीड़ होगी। इस बाड़मेर की इस भीड़ में वहां आपको लोगों की भाषा, गाड़ियों के नंबर से आप आसानी से पहचान सकोगे कि ये भीड़ रविंदर को दिल से चाहने वाले उसके लोकसभा क्षेत्र की भीड़ है। एक कहावत एक बंधु ने मुझे कहा था, रविंद्र सिंह भाटी को जितने वोट चाहिए जीतने के लिए, इतने वोट तो रविंद्र सिंह जी साथ लेके चल रहे हैं, इतने लोगों को लेकर तो वो प्रचार कर रहे हैं, यानी कि उस युवा सूर्य ने जो उजाला फैलाया है वो मरुधरा से निकलकर पूरा दिल्ली तक पूरे देश के क्षितिज पर छाने के लिए तैयार है। आज का जो हमारा एक विषय है, योगी आदित्यनाथ कैसे जीते, जो मैंने अभी कहा था कि थोड़ी देर में बात करेंगे, जाट खिलाफ, गुजर खिलाफ, अहीर खिलाफ, मुसलमान खिलाफ, बड़े संख्या है इनकी, ये खिलाफ थे, ब्राह्मण खिलाफ, वो कौन विकास दुबे मर क्या क्या हो गया था गाड़ी गुड़ी पलट,
फिर भी योगी आदित्यनाथ चुनाव कैसे जीत गए, है ना आश्चर्य की बात। मैं बता, इन समाजों में जो क्षत्रियों से चिढ़ते हैं, इन्हीं समाजों में एक वर्ग होता है जो क्षत्रिय को पसंद करता है और वो ये मानता है कि यदि कोई सीना ठोक कर क्षत्रिय कह रहा है तो वो निश्चित रूप से हमारे लिए एक सच्चा शासन देगा। और इनके अलावा वो जातियां जो बिल्कुल जिनकी काउंटिंग नहीं करते लोग बाग, सैनी हैं, नाई हैं, धोबी हैं, लोधभाई हैं, कुर्मी हैं, कहार हैं, तेली हैं, वो लोग भी क्षत्रिय नाम सुनते ही सतर्क हो जाते हैं कि राइट चॉइस आ गई है, ये है वो जिसके लिए हमको देना है। जैसे कि एक स्वाभाविक चीज होती है, लाख प्रयत्न करने के बाद भी इस घोर कलयुग के टाइम भी क्षत्रियों का वो प्रभाव मंडल न कांग्रेस से मिटाया मिट सका, न भारतीय जनता पार्टी से मिट सकता है। ये कितना ही प्रयास कर ले, कितने ही ये कौन रूपाला रापाला पुरुषोत्तम रूपाला को छोड़ दें, किसी के मुंह से कोई भी गंध बटवाए, लेकिन क्षत्रिय का छात्र तेज जनता के हृदय में बैठा हुआ है। और यदि कोई कहे नहीं तो फिर मुझे कोई उदाहरण बता दे, यदि नहीं तो ये महाराज कुमार विश्वराज सिंह जी को टिकट क्यों दिया नाथ द्वारा से, डॉक्टर सीपी जोशी के खिलाफ जो कांग्रेस के कद्दावर नेता और इससे जस्ट पहले स्पीकर थे विधानसभा के, क्यों बताओ आप? इनको भी पता है कि जब एक सच्चा क्षत्रिय मैदान में आता है तो बाकी सारी जातियां उसके साथ लामबंद हो जाती हैं, उसके साथ जुड़ जाती हैं और लाठा रहे भजीड़ बुलाते वाली पोजीशन पे आ जाती है। महाराज कुमार साहब ने बुरी तरह से हराया डॉक्टर सीपी जोशी को। सीपी जोशी कोई कम लीडर नहीं है, अच्छे लीडर हैं, लेकिन कहां विश्वराज सिंह जी जिनके नाम में ही विश्व में राज करना लिखा है और महाराणा प्रताप की रक्त परंपरा से जो आते हैं, ऐसे सूर्यवंशी प्रिंस के सामने उनका टिकना संभव था नहीं और वो नहीं। मान लीजिए कोई कहे कि ये तुक्का लग गया तो भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी बचकानी हरकत करने वाली पार्टी नहीं है, फिर वो युवरानी साहब को टिकट क्यों दिया? महाराज कुमारानी साहब को टिकट दिया है ना महिमा कुमारी जी को राजसमंद से, उसके पास नायाब हीरे थे, पहले से हीरे थे, ऐसा नहीं है कि उसके पास है नहीं, उसके पास एक से एक बड़ा लीडर है, राजेंद्र सिंह राठौड़ है, उसके पास में गोपाल सिंह शेखावत भी पार्टी में आ गए थे, उनके पास बीजेपी के पास में मानवेंद्र सिंह जी भी पार्टी में आ रहे थे, बहुत सारे ऐसे लीडरों की लंबी लाइन लग रही है, भवानी सिंह जी कालवी साहब ने भी पार्टी ज्वाइन कर ली, उसके बावजूद वो महाराज कंवरानी साहब को टिकट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ये क्षत्रिय है, इनको सीना ठोकने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ये क्षत्रिय है, ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है कि ये छत्राणी है, ये उसी परंपरा की छत्राणी है जिन्होंने जौहर किया, ये वही महारानी पद्मिनी। देखिए आप, महारानी पद्मिनी की कृपा आज इस वंश, बीजेपी ने एक नीति बनाई, एक परिवार से एक ही टिकट, कहां गई वो नीति, किस किस जगह गायब हो गई नीति? जब एक क्षत्रिय सामने आता है अच्छी अच्छी नीति गायब हो जाती है। अभी जो अंदाज लगा के बैठे थे ना चुपचाप कि नहीं इकोनॉमिक वीकर को तो आरक्षण हो ही नहीं सकता, जब तीन थप्पड़ मारे थे ना आपने राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, वो बदल गया संविधान, संविधान हो गया, संविधान में संशोधन, खम ठोक कर यदि क्षत्रिय सामने आ जाए, मैं गारंटी देता हूं आपको अच्छे अच्छों की बचीट अपने आप मिल जाएगी, अपने आप फ्लैट हो जाएंगे। ये कहां गए मोदी जी, किधर गई अमित शाह जी, कहां इनके नियम चले गए, एक परिवार से एक को देंगे, बेटे को नहीं देंगे। 5 महीने पहले चुनाव से, इस चुनाव से 5 महीने पहले महाराज कुमार विश्वराज सिंह जी और महाराज कंवरानी साहिबा दोनों ही भारतीय जनता पार्टी किस खेत की मूली है और कहां है, कौन से खेत में उग रही है, कोई परिचय नहीं था। लेकिन जब आप नाराज हो रहे थे कैथल में, जब आप नाराज हो रहे थे अजमेर में, जब आप नाराज हो रहे थे ग्वालियर में, जब नाराज हो रही थी करनाल की संघर्ष समिति, जब नाराज हो रहा था हरियाणा का युवा, जब नाराज हो रहे थे देहरादून और सहारनपुर के क्षत्रिय, तब बीजेपी रीड कर रही थी कि कैसे राजस्थान में गोटी बैठाई जाए, और तब उन्होंने दो चेहरों को ऐसों को सम्मिलित किया कि मेरा जैसा मुखर विरोधी भी एकदम सीधा सीधा विरोध नहीं कर सकता, बल्कि साथ में समर्थन करने के लिए जाना पड़ा। और वो था उसका तुरप का इक्का, और वो तुरप का इक्का है
महाराज कंवर विश्वराज सिंह जी को नाथ द्वारा स्थित किया। वो त्रुप का इक्का है भवानी सिंह कालवी को बीजेपी में समर्पित। कैसे छोड़ दू, मेरे भाई है, मेरा परिवार है, नहीं छोड़ सकता मैं तो। उस राम और लक्ष्मण की परंपरा का हूं कि जहां भले युद्ध नहीं करना पड़े कल, लेकिन यदि लक्ष्मण जीवित नहीं होगा तो अगले दिन कोई युद्ध नहीं। दुनिया कायर कहे वचन भंग हो, वचन भंग हो। जहां धर्म है एक अधर्म है, बड़े भाई भरत को गाली देनी चाहिए, ललकारना चाहिए कि नहीं ललकारना चाहिए, नहीं जानते लक्ष्मण भाई के प्रेम में। तो उन्हीं परंपराओं के हम राम और लक्ष्मण की परंपरा के लोग हैं, हम अपने भाई के लिए किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा नहीं कर सकते। और मैं खुद भी महाराज कंवर विश्वराज सिंह जी के चुनाव क्षेत्र में जो मैं कर सकता था, जितनी मदद कर सकता था, मैंने जाकर की और अब भी करूंगा। भारतीय जनता पार्टी से मेरा यूं है, लेकिन महाराज कंवरानी साहिबा महिमा कंवर जी के लिए जी जान लगा दी जाए, जितनी ताकत लगेगी लगा दी जाए। राव राजेंद्र सिंह जी के लिए जितनी ताकत लगेगी लगा दी जाए। जोधपुर में निर्णय समाज को करना है, दोनों ही अपने भाई हैं, लेकिन बाड़मेर और जयपुर में भी मैं अपने भाई के साथ। पिछली बार विधानसभा में लोग कह रहे थे गाड़ी में नरूका साहब की में कोई झंडा नहीं, एक जगह निर्दलीय द्रुग सिंह का प्रचार कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद भारतीय जनता पार्टी के महंत प्रतापपुरी जी महाराज का प्रचार कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद में वापिस आ गए और वहां निर्दलीय चंद्रभान सिंह जी का प्रचार कर रहे हैं, फिर प्रचार कर रहे हैं महाराज कुमार विश्वराज सिंह जी का, फिर प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के देवी सिंह जी शेखावत साहब का बांसुर में, फिर निर्दलीय आसू सिंह सूरपुरा का जयपुर में। भाई करूंगा, मेरा परिवार है, जहां जहां मुझे मेरा परिवार नजर आएगा वहां वहां मैं उनके साथ रहूंगा। मैं उनकी कोई पार्टी पूर्टी नहीं देखता, वो चाहे टिकट लाए बीएसपी से, वो चाहे टिकट लाए बीजेपी से, वो चाहे टिकट लाए कांग्रेस से, वो टिकट लाए समाजवादी से, वो ओबीसी से टिकट लिया है, मुझे कोई फर्क नहीं, क्योंकि मेरी नजर में सारी पार्टी एक जैसी है और हम क्षत्रियों के विरुद्ध हैं। इनकी एकमात्र एक ही तरीका है, किसी भी तरीके से क्षत्रित्व मजबूत नहीं होना चाहिए। फंसी में ये हमको याद करते हैं, इनकी कान पकड़ो, इनकी टांग खींचो, तब जाके ये याद करते हैं। अभी इनको याद आए महाराज कंवर विश्वराज सिंह जी और महाराज कंवरानी महिमा कंवर जी, और इनको याद आए फंसी में उस समय कूच बिहार के महाराजा अनंत राय जी, इनको याद आए आनंद मोहन जी के बेटे चेतनानंद जी, इनको याद आएंगे, अभी और भी आएंगे, इनको बहुत धीरे 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 सारे याद आएंगे, ये जब जब इसका कान खींचेंगे याद आएंगे। अभी रूपाला का ढंग से कान खींचो, अच्छी तरह कान खींचो, मैं निवेदन कर रहा हूं। और गुजरात के ही नहीं, राजस्थान के, हरियाणा के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, कूच बिहार के, आसाम के, बंगाल के, सब कान खींचो रूपाला के, अच्छी तरह कान खींचो। ये तुरंत मी 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 करके दूध दे देगी, ये बकरी है, ये भारतीय जनता पार्टी बकरी है, इसका कान खींचना पड़ता है, टांग खींचनी पड़ती है, तब जाकर ये दूध देती है। इसका कान अच्छी तरह मरोड़ के रखो, टांग खींच के रखो, तब जाकर ये काम करेगी। आपने ढिलाई दी नरोत्तम मिश्रा ने, गंध बकी उसके मुंह में, गोबर नहीं भरा दूसरे ने, रूपाला ने वो गंध बस्ती, अभी अच्छी तरह से मुंह में गोबर भरो, ऐसा भर दो कि न निगलने में आए न उगलने में आए। इसको बिना पार्टी से निकाले और जेल में भेजे से नीचे कोई समझौता नहीं होना चाहिए रूपाला का। ये टिकट विकेट का मत कहिए कि टिकट कैंसिल कर दें, क्योंकि टिकट में तो अपन वैसे भी जनता में भी हरा देंगे उसको, उसको पार्टी से बाहर निकालना चाहिए, उसका फोटो नहीं लगना चाहिए, पार्टी की सदस्यता से बाहर करें। तब तक सीआर भाई आपने पहले भी बहुत अच्छी बात कही है समाज के लिए, मैं आपका सम्मान करता हूं, आपका आदर करता हूं, क्योंकि आपने कहा है कि राजपूत का इतिहास से बड़ा कोई इतिहास नहीं, मैं भूला नहीं हूं उसको, लेकिन आपकी पार्टी का एक सिपाही यदि ऐसी बात करता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है सीआर पाटिल साहब कि इस गंध को उस पार्टी से निकालो। हमें कोई शौक नहीं है आपका विरोध करने का, आप हर जगह इतनी गंदगी फैलाते हो उसके लिए विरोध करना पड़ता है। आपसे निवेदन है, आप माफी मांग रहे थे, आप क्यों माफी मांगते हो, हम माफी मांगते हैं आपसे, आपको जरूरत नहीं है माफी मांगने की, माफी इसको मांगनी थी, मांग ली इसने, लेकिन माफी मांगनी चाहिए ये नरेंद्र भाई मोदी को, वो मोटे भाई को माफी मांगनी चाहिए, और इसको पार्टी से निकाल के माफी इसके साथ मांगनी चाहिए कि ये पार्टी से निकाल दिया गया है, ताकि और कोई नरोत्तम मिश्रा, कोई रूपाला, कोई बिशाऊ साहूलाल जैसा आदमी
तैयार नहीं हो, यदि दोबारा तैयार होगा, हमारे बच्चे बड़ी मुश्किल से तैयार होते हैं पढ़ने लिखने के लिए, हम चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, आईएएस आईपीएस आरएएस पीसीएस बने, पर आप उनको फिर काम पे लगा देते हो। इस तरह की गंध फैलाकर आज गुजरात में एग्जाम के दौर में हमारे युवा सड़क पर आने के लिए तैयार है, हमारी छत्राणियों को आपने जेल में बंद कर दिया। किस आरोप में? कि उन्होंने ये कहा था कि इस रूपाला को हटाओ। आपकी सरकार है भूपेंद्र भाई पटेल, आपने एक सरकार के सैमाड़ा थाने के अंदर हमारी बच्चियों को, छत्राणियों को, गीताबा के साथ साथ और जो छत्राणियां थी उनको क्यों बंद किया? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आपको समझना होगा इस चीज को कि हमने समर्थन दिया है आपका, अंधभक्ति नहीं है, हाथ जोड़े हैं, हाथ तोड़ना भी जानते हैं। जो हाथ जोड़ने के लिए हाथ उठता है ना, इतना बस, एक इतने से की जरूरत होती है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और अब हम ये हाथ नहीं, हम सब एकत्रित होकर एक घुषा बनाएंगे, मुष्टिका बनाएंगे, और फिर भाई जो मुष्टिका का प्रहार होगा, नाक मुंह से खून आएगा। आप गुजरात से लेकर कामाख्या तक क्षत्रियों के पीछे पड़े हैं। हमने आपको बंगाल में, हमारे राजवंशी क्षत्रियों ने आपको जगह दी, आप वहां से चुनाव जीते, पार्टी जीती, आपने महाराज को राज्यसभा में भेजा, हमने स्वीकार किया, लेकिन उसके बावजूद आप उस निषिद्ध प्रमाणिक के मुंह से क्या कहलवा रहे हो कि राजवंशी और बांग्लादेशियों में झगड़ा करवा रहे हो? आप उस बांग्लादेशी के साथ आपकी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है? कहां का है वो निषिद्ध प्रमाणिक? उसकी नागरिकता कहां की है? कहां पैदा हुआ था वो? और कहां पर उसको आपने जो सीए एनआरसी का लागू किया है ना, उस सबसे पहले इसको निषिद्ध प्रमाणिक को आपको चेक करना चाहिए था कि ये कहां का है। छोड़ेंगे नहीं हम। आप सोच रहे हो वो कोने में जाके मन में आएगा, जो काम कर लेंगे? नहीं करने देंगे हम। हमारे भाई हैं वो, हमारे रिश्तेदार हैं। आप किसी भी क्षेत्र के क्षत्रिय के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। देश में तो देश में, हम विदेश में भी अन्याय नहीं होने देंगे। आपने सोच कैसे लिया कि कूच बिहार वालों को हम अकेला छोड़ देंगे? आपने कैसे सोच लिया कि गुजरात वाले क्षत्रियों को हम अकेला छोड़ देंगे? ये सभी जनता हम पर इसलिए विश्वास करती है, क्षत्रिय जब सीना ठोकता है वो इसलिए विश्वास करती है कि ना ये खुद का अपमान होने देंगे, ना किसी और का अपमान होने देंगे। और आप जनता को ये साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि हम इनका अपमान कर देते हैं और ये कुछ करते नहीं, इनकी मूंछें केवल एक शोभा बनी हुई हैं। आप ये साबित करने पे लगे हैं कि ये कुछ नहीं करते हैं इसलिए इनको वोट देने की जरूरत नहीं है, तो इतना तो बुरा दिन नहीं आया। अभी छत्राणियां अभी बांधनी हुई है, छत्राणियों ने अभी बच्चों को, युवाओं को, वीरों को जन्म देना बंद नहीं किया। आप ध्यान रखें इस बात को कि ये जो आप प्रयोग कर करके जनता, ये ऐसा अनायास नहीं होता है बंद हो। ऐसे नहीं है कि अपने आप रूपाला के मुंह से गंध निकल गई। अरे रूपाला को सोच समझ कर तैयार किया जाता है, कभी रूपाला को तैयार किया जाता है, कभी वो कौन कहां का गवर्नर बन गया, अभी गुलाबचंद कटारिया को तैयार किया जाता है, कभी नरोत्तम मिश्रा को तैयार किया जाता है, कभी बिसाऊलाल साहू को तैयार किया जाता है, इनको तैयार किया जाता है कि चेक करो, चेक करो क्षत्रिय अपने सम्मान का, अपने स्वाभिमान की इज्जत बचा सकता है कि नहीं बचा सकता, जिंदा है या मर गया है, ताकि ये जनता को ये संदेश दे सकें। इन्हें तो खुद का ही सम्मान नहीं बचा पा रहे, तो सीना ठोक कर यदि अपने आप को राजपूत या क्षत्रिय कह रहा है तो ये आपका कैसे बचाएगा? ये एक बहुत बड़ा गहरा षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को दूर करने की जरूरत है। नहीं, हम माफ नहीं करेंगे, न रूपाला को करेंगे, न रूपाला की पार्टी को करेंगे। रूपाला तो डेफिनेटली जेल में जाना चाहिए और माननीय मोदी जी और अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए इस रूपाला की। इसके मुंह से गंध किसने भरी थी? इसके पहले भरी है गंध, फिर बाद में इसके मुंह से गंदगी निकली है। ये रूपाला कोई पहली बार टिकट नहीं मिला है, ऐसा नहीं है कि अचानक कल भाजपा की सदस्यता ज्वाइन की और टिकट ले लिया हो। ये केंद्रीय मंत्री रहा है और जो केंद्रीय मंत्री रहा है वो बहुत सोच समझ कर बोलता है और वो जान बूझ कर षड्यंत्र के तहत उसने ये गंध उगली है। हम नहीं मानते कि इसकी जबान फिसली है, इसका जबान नहीं फिसली है, बल्कि पार्टी की नीति फिसली है इसके वजह से कि पार्टी ये चाहती है आपकी। यदि नुपुर शर्मा जो इस्लाम के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ बोली थी, उसको आपने पार्टी से निकाल दिया, सर तन से जुदा, उनको आपने कुछ नहीं किया, लेकिन उस बच्ची नुपुर शर्मा को आपने पार्टी से निकाल दिया, ये तो क्षत्रियों को कह रहा है, ये तो रजवाड़ों को कह रहा है, और इसको आप सजा के बैठा रहे हो पार्टी में। और आप ये समझ रहे हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हमको जानकारी नहीं है इसकी, ऐसा नहीं। तो बंधु, आज का जो खास विषय था वो था कि सीना ठोक कर अपने आप को क्षत्रिय कहने वाले को से जनता चिढ़ती है या साथ लगती है।
मैंने आपको पहले के उदाहरण दिए, पूज्य तन सिंह जी का उदाहरण दिया, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी साहब का उदाहरण दिया, वीपी सिंह जी का उदाहरण दिया, और वर्तमान में आनंद मोहन जी, योगी आदित्यनाथ, रविंदर सिंह भाटी, ये सीना ठोककर क्षत्रिय दिखाने वाले लोग हैं और जनता इनके साथ लगी हुई है। इसलिए जो क्षत्रिय सीना ठोककर अपने आप को क्षत्रिय नहीं कह सकता, जनता ये सोचती है कि ये और दूसरे कायर और नकारा नेताओं की तरह है, ये भी समय के अनुसार फिसल जाएगा। इसलिए जो भी क्षत्रिय राजनीति करते हैं वो सीना ठोककर कहें, प्रताप सिंह खाचरियावास की तरह कहें कि मैं, मेरी मां ने राणा प्रताप के नाम पर नाम रखा है, मैं राम का वंशज हूं, सीना ठोककर कहें, सीना ठोककर रविंद्र भाटी की तरह कहें, सीना ठोककर योगी आदित्यनाथ की तरह कहें, सीना ठोककर आनंद मोहन जी की तरह कहें, सीना ठोककर यदि आपने ऐसा कहा तो जनता आपको आंखों पर बिठा लेगी और आपका आधा प्रचार वैसे ही हो जाएगा, आपको कोई परेशानी का ही सामना नहीं करना पड़ेगा। जिंदगी भर आदरणीय जसवंत सिंह जी जसोल साहब छिपे रहे कि कोई ये नहीं लग जाए कि मैं राजपूत हूं। मुझे आज भी याद है जब वो महाराणा महेंद्र सिंह जी के खिलाफ चित्तौड़ चुनाव लड़ने गए थे, तब हमने कहा था कि महाराणा समाज की नाक है, देश की नाक है, आप मत चुनाव लड़ो। तब उन्होंने कहा, आई एम ए डेडिकेटेड सोल्जर ऑफ बीजेपी, आई डोंट केयर अबाउट महाराणा एंड राजपूत। और उसका परिणाम हुआ उनको कि वो 4,05,000-10,000 वोट पे सिमट गए और 50,000 के अंतर से चुनाव हार गए। यदि वो सीना ठोक कर उस समय यदि कहते कि मैं क्षत्रिय हूं तो उनका ये स्वाभिमान उसी समय से माना जाता, बाद में स्वाभिमान दिखाने से लोगों ने स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने, और आज तक दोबारा फिर कभी सफलता नहीं मिली होगी। इसलिए जो सीना ठोककर क्षत्रिय तो होने का बात कहते हैं, जनता उनके साथ लगती है, उनमें सुरक्षा की भावना पैदा होती है, और जब दूसरी जाति के लोग अपनी जाति के उसके करते हैं तो जनता में असुरक्षा की भावना फैलती है, जनता को लगता है कि इसकी जाति के लोग हमें परेशान करेंगे, और लगता है नहीं ये करते हैं, डांगावास जैसे केस होते हैं, सामराऊ जैसे केस होते हैं, ये रोज जगह जगह केस होते हैं जब ये लोग जातिवाद करते हैं।